Hello friends, welcome back to our channel English with Chagan Arora. Friends, आज मैं आप लोगों के लिए आर एल स्टीवनसन का लिखा हुआ फेमस वर्क द ट्रेजर आइलैंड इसकी समरी हिंदी में लेके आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी. सो लेट अस स्टार्ट. आर एल स्टीवनसन लिखा हुआ ट्रेजर आइलैंड. तो सबसे पहले हम आर एल स्टीवनसन, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन था, जिनका जन्म 13 नवंबर 1850 को हुआ था और इनकी डेथ 3 नवंबर 1894 को हुई थी. ये एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट, म्यूजिशियन, बहुत कुछ थे, साहब ये ट्रैवल राइटर थे. इनके सबसे फेमस वर्क है ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हिड और एक चिल्ड्रंस गार्डन ऑफ वर्सेस. बहुत ही फेमस वर्क है और ये बहुत ही फेमस राइटर थे. इन्हें वर्ल्ड के 25 बेस्ट राइटर्स में भी काउंट किया जाता है. अब हम इस वर्क के करेक्टर्स देख लेते हैं. सबसे पहला फेमस करेक्टर है जिम हॉकिंस, जो कि इसका हम प्रोटोगनिस्ट मान सकते हैं, जिसे कि वो ट्रेजर आइलैंड का नक्शा मिलता है. बिली बोन्स, ये कैप्टन फ्लिंट के शिप का एक्स मेट होता है और इसके पास ही ट्रेजर आइलैंड का नक्शा होता है. स्क्वेयर जॉन ट्रेलवनी, ये एक स्किल्ड पर्सन है लेकिन नेव है, नए हैं और इन्होंने लॉन्ग जॉन सिल्वर को की एडवाइस पर ही सारे क्रू को हायर किया है. डॉक्टर लिव से, ये एक डॉक्टर मजिस्ट्रेट है और फॉर्मर सोल्जर हैं. कैप्टन अलेक्जेंडर स्मॉल्ट, ये एक स्टर्बन पर लॉयल कैप्टन है, जिस शिप का नाम है हिस्पेनोलिया. लॉन्ग जॉन सिल्वर, ये भी पहले फ्लिंट का क्वार्टर मास्टर था, बाद में वो हिस्पेनोलिया के म्यूटिनर का लीडर बन गया. ये कुछ इसके मेन करेक्टर्स हैं. क्वेश्चन आता है तो सर जिम हॉकिंस के करेक्टर स्केच पे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन. तो ये देखिए, ये हमारे जिम हॉकिंस एक यंग बॉय है जो अपने मम्मी पापा की इन, जिसका नाम है एडमिरल, इसकी इनका नाम आप याद रख लीजिए, एडमिरल बेनबो, ये इनकी इन है, इस इन के ये अंदर रहते हैं और 18 सेंचुरी की ये स्टोरी है. इनकी इन में क्या होता है, एक ओल्ड सी कैप्टन जिसका नाम है बिली बोन्स, वो आते हैं और इनकी इन में आकर वो मर जाते हैं. तो बिली बोन्स जो आते हैं ना, जब ये मर जाते हैं तो माँ बाप क्या, इनके मदर और ये क्या करते हैं, और ये क्यों मर जाते हैं कि इनके ऊपर एक ना एक स्पॉट आ जाता है, जिसका नाम ये बताते हैं ब्लैक स्पॉट. इस ब्लैक स्पॉट को पायरेट्स, इसे डेथ पायरेट्स, जिसे जिसको पायरेट्स को सजा देना चाहते हैं ना, वो उसको ब्लैक स्पॉट दे देते हैं. तो इसका मतलब है ये बंदा पायरेट है और इसको पायरेट्स ने गिल्टी माना है. गिल्टी मानने के कारण इसके डेथ स्पॉट दे दिया जाता है. जब ये बंदा मर जाता है तो जिम और उसकी माँ फटाफट जाके बिल्ली की चेस्ट को देखते हैं. चेस्ट मतलब जो उसके पास है, कोई ट्रंक वगैरह होता है, और वहाँ से इन्हें एक लॉग बुक मिलती है और उस लॉग बुक के अंदर इन्हें एक मैप मिलता है. अभी उनको लगता है कि बाहर कोई कोई आ रहा है, तो वो फटाफट क्या है वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद बिल्ली के जो मारने वाले हैं वो आकर बिल्ली के इसकी तलाशी लेते ढंग से, उन्हें कुछ नहीं मिलता. तो जिम को लगता है कि यार जो कंटेंट मेरे को मिला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो डॉक्टर लिव से, जो कि उनके लोकल जानकार है, उनके पास जाता है. डॉक्टर लिव से और स्क्वायर ट्रेवलनी को लगता है कि हाँ ये जो है ये तो एक ह्यूज ट्रेजर मैप है, जो कि कैप्टन फ्लिंट का बहुत ही फेमस नोटोरियस कैप्टन थे कैप्टन फ्लिंट, उनका एक आइलैंड पर मैप था, ये उनका मैप है ट्रेजर आइलैंड का. तो इससे वो क्या होते हैं, कैप्टन साहब बड़े खुश होते हैं, वो फटाफट एक जहाज हायर करते हैं जिसका नाम है हिस्पेनोलिया. तो ये हिस्पेनोलिया नाम का एक जहाज हायर कर लेते हैं. तो उस जहाज में अब इनके पास कोई पर्सन तो होते नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि इन्हें एक बंदा मिलता है जिसका नाम है लॉन्ग जॉन सिल्वर. ये जो लॉन्ग जॉन सिल्वर है ये इन्हें मिलता है
और इसकी सलाह से ये सारे क्रू को हायर करते हैं। अब लॉन्ग जॉन सिल्वर जो होता है बहुत ही चलाकी से जो इसके पुराने हेल्पर होते हैं ना उन सब को ही क्रू में लगवा देता है। ठीक है सर, अब इस पूरे क्रू में कोई भी बंदा ईमानदार नहीं है, सिर्फ इस क्रू का जो कैप्टन है जिनका नाम है कैप्टन स्मॉलेट, यही एक ईमानदार पर्सन है। तो अब सिर्फ ये कैप्टन स्मॉलेट ईमानदार है, बाकी सारा का सारा क्रू लॉन्ग जॉन सिल्वर का ही पुराना ग्रुप है। तो अब क्या होता है कि ये जो ग्रुप वाले हैं इनका यही प्लान होता है किसी तरह से हमें नक्शा मिल जाए और हम ये खबर जो है हम इसको नक्शे को अपने काबू में कर वो खजाना ले लेंगे। ये खबर भी जॉन जो है वो जाकर कैप्टन को बता देता है कि कैप्टन कैप्टन इस तरह से ये सारा क्रू तो विद्रोह करने वाला है। अब कैप्टन स्मॉलेट जब वो आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वो एक प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से मैं इन म्यूटिनर्स ये जहाज में चलना शुरू करते हैं। तो जहाज में चलना शुरू करते हैं तो ये देखिए ये सब लोग वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्लान बना रहे हैं अपना, और इस प्लान को कौन सुन रहा है, इस प्लान को सुन रहा है ये छुपा हुआ जॉन जिम जो है वो सुन रहा है। अब ये जिम का ये प्लान जाके बताता है कैप्टन को कि कैप्टन इस तरह से ये लोग तो एक प्लान बना रहे हैं। अब कैप्टन एक प्लान बना के कैप्टन ये सोचता है कि एक बार हम आइलैंड पे पहुंच जाएं तो मैं क्या करूंगा कि उनको वहां पे कहता है कि आप जाके रेस्ट करो, और ये जो है ये सबको जाके कैप्टन कह रहे हैं कि तुम वहां जाके रेस्ट उस्ट करो। ठीक है, इसी बीच में जिम जो है वो पायरेट्स की बोट लेकर किनारे पर चला जाता है और अकेला ही भाग जाता है। वहां पे वो क्या देखता है कि जिम क्या देखता है कि कैप्टन ने एक सेलर का मर्डर कर दिया, जिस सेलर ने मना कर दिया कि भाई मैं म्यूटनी में नहीं जाऊंगा। अब जिम तो अंदर ही अंदर जाता है, वहां उसे एक आधा पागल बंदा मिलता है, ये चलता जा रहा आधा पागल बंदा मिलता है जिसका नाम है बैनगन। ये जो आधा पागल बंदा है ये भी पहले कैप्टन फ्लिंट की यही काम करता था, और इसने क्या किया है, अब ये क्या हुआ, ये आइलैंड पे इसको छोड़ के चले गए थे। अब स्मॉलेट वाले जो बंदे हैं वो लोग कैप्टन स्मॉलेट और उसके बंदे, क्योंकि वो पायरेट्स तो उधर घूम रहे हैं, कैप्टन स्मॉलेट और उनके बंदे जो हैं वो एक स्टॉकेट एक तरह का छोटी सी एक मचान सी होती है वहां पे जाके शरण ले लेते हैं, और इनके साथ ही बेन है। अब बेन इनके साथ आ गया जिसको जिम लेके आ जाता है। इस टोकेट में जिम भी आ गया है और ये सारे पुराने लोग भी हैं और बेन भी आ गया है। तभी क्या होता है, कैप्टन जो होता है वहां पे लॉन्ग जॉन आता है और उसे बात करना चाहता है, कहता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि मैं इसे बात नहीं करूंगा। पायरेट्स इस पे अटैक कर देते हैं और कैप्टन के गोली लग जाती है। जिम जो है वो क्या करता है, वो अपने इन लोगों को छोड़कर वापिस से बेन ने एक बताता है कि मैंने ना एक हाथ से बोट बना रखी है, उस बोट को जाके ढूंढता है। जब वो बेन की बोट ढूंढ लेता है ना तो वो शिप में जाता है। उसका प्लान तो ये होता है कि मैं शिप पे कब्जा कर लूं, पर उसको डर लगता है कि कहीं शिप जहाज पे भी कुछ डाकू बैठे हैं, वो पायरेट्स कहीं मुझे ना पकड़ ले। पर वो डाकू जिम को नहीं पकड़ पाते हैं और वो शिप के ऊपर चढ़ जाता है और शिप पे अपना कब्जा कर लेता है। शिप के ऊपर दो ही वॉचमैन होते हैं, एक होता है इजराइल और दूसरा एक शराबी होता है। तो जिम क्या करता है, इजराइल को मार देता है। जिम वापिस आता है। अब जब वो आता है तो स्टोक हेड की पोजीशन चेंज हो चुकी होती है। अब स्टोक हेड के ऊपर क्या, डाकुओं का कब्जा हो जाता है और वो डाकू जो है जैसे जिम अंदर आता है डाकू जिम को होस्टेज बना लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं। वो उसे ये बताते हैं कि कैप्टन ने हमें ये ट्रेजर मैप भी दे दिया, राशन रूशन भी दे दिया है और ये स्टोक हेड भी हमारे को दे दिया भी ताकि आप हमारी जान समझ जाओ। पर जिम एक बात समझ जाता है कि लॉन्ग जॉन सिल्वर को अपने आदमी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आदमियों को लगता है कि लॉन्ग जॉन सिल्वर ने हमारे साथ धोखा कर लिया। सिल्वर जिम को कहता है कि यार हम यहाँ पे तुम मेरी मदद करो, तुम ये दिखाओ कि जो मैं एक होस्टेज हूं।
ताकि अपने दोनों एक दूसरे की जान बचा सकें। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जिम को एक सॉरी लॉन्ग जॉन सिल्वर को एक ब्लैक स्पॉट दे देते हैं और कह देते हैं अब तू हमारा कमांडर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ये लड़ाई वड़ाई सी थोड़ी बहुत होती है, इसको ब्लैक स्पॉट भी दे दिया जाता है। सब अब जिम किसी तरह से बेचारा क्या करें। तो अब सिल्वर क्या उन सबको वापिस कंट्रोल करने के लिए उन्हें ट्रेजर मैप दिखाता है। सिल्वर जिम और बाकी लोगों को ट्रेजर साइट पे लेके जाता है, पर वो हैरान होते हैं कि ट्रेजर तो गायब हो गया है, ट्रेजर गायब हो गया है। और तो फिर वापिस से म्यूटनी विद्रोह शुरू हो जाता है। तभी वहां पे डॉक्टर लिवसी बैनगन और बाकी लोग आके हमला कर देते हैं पायरेट बैंड के ऊपर। अब पायरेट इधर उधर सारे आइलैंड पे भाग जाते हैं, लॉन्ग जॉन सिल्वर और जिम भी भाग जाते हैं, और वो सब जाके कहाँ जाते हैं, बैन की केव में, जहाँ बैन ने सारा ट्रेजर छुपा रखा है, क्योंकि सारा ट्रेजर तो बैन ने पहले ढूंढ लिया था। 3 दिन तक वो सारे लूट के माल को जहाजों में भर भर के ले जाते हैं और फिर घर जाने लगते हैं। अब बताता वे सोचते हैं बाकी बच्चे और लोगों का क्या करें। पायरेट्स कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, लेकिन वो सबको आइलैंड पे छोड़ देते हैं। सिल्वर भी इनके साथ आइलैंड पे चला जाता है और वो भी इनके साथ यात्रा पे जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक रात सिल्वर जहाज से अपना हिस्सा लेके निकल जाता है और दोबारा कभी सुनाई दिखाई नहीं देता है। यात्रा अपने घर आ जाती है। लास्ट में कैप्टन स्मोलेट जो है वो समुद्र से रिटायरमेंट ले लेते हैं। बेन जो है वो एक लॉज कीपर बन जाता है। जिम कसम खाता है कि अब कभी भी ट्रेजर हंटिंग पे नहीं जाऊंगा और उसे अभी भी समुद्र और सोने के सिक्कों के सपने आते हैं। इस तरह से ये जो हमारी समरी है ये ट्रेजर आइलैंड पूरी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।